हमें भी ये चाहिए कि आपका भी टाइम कीमती है और हमारा भी कीमती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में और अच्छा कंटेंट मिले। हाय फ्रेंड्स, आज एक केस आया हुआ था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये आईफोन 12 है और इसमें टेम्परेचर एरर आ रहा है, और जब भी अगर आईफोन में टेम्परेचर एरर आएगा तो आपको यूज़ करने के लिए नहीं छोड़ेगा और बोर्ड बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है और आईफोन इसको डिटेक्ट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कैसे होंगी और क्या होंगी, इसको अपन अभी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है और लिखा हुआ है नीड टू कूल डाउन योर आईफोन, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपका आईफोन कूल होगा तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कूल कैसे होगा, ये कूल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर आ चुकी है शॉर्टिंग और इसका कुछ ना कुछ गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है फ़ोन। ओके, इसीलिए हमारे पास आया हुआ है, अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं और अभी हमने थर्मल कैमरे में भी देखा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की साइड में प्रॉब्लम है। अंदर की साइड में बोले तो बोर्ड हमें सेपरेट करना पड़ेगा। अभी मैं इसका ये कुशंस है जिसको आप गैसकिट भी बोल सकते हो, कनेक्टर की जो गैसकिट होती है इसको निकाल देना होता है, क्योंकि अगर हम जब बोर्ड को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में है ना सिकुड़ती हुई जाएगी और हो सकता है कि किसी कंपोनेंट को भी पिक कर लेते, ये निकाल ही देना चाहिए अपने, है ना। तो अभी मैंने इसको प्री हीटर में रखा है, जैसे ही 130 हीट होगी या 140 हीट होगी तो मैं क्या करूँगा कि इसको ऊपर से ब्लोअर से भी 250 दूंगा, मतलब नीचे से 130 हो गया ऊपर से 250 दूंगा, तो बहुत इजी में बोर्ड आ जाएगा ऊपर और कोई बेंडिंग नहीं है। तो अभी मेरा प्री हीटर 140 हो चुका है और मैं नोजल खोल के मेरे ब्लोअर का 250 डिग्री हीट दे रहा हूँ, 60 की एयर है, ठीक है। तो ऐसे अलग कर रहा हूँ। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ इसमें कि ये होता कैसे है प्रॉब्लम और आता क्या है। अभी ये तो मैं बताऊँगा ही आपको, जो ये है मैं डीसी लगा रहा हूँ कि डीसी लगाने पे क्या होता है, ठीक है। तो डीसी लगाते ही ऑटोमेटिक एम्पियर कंज्यूम कर ले रहा है, ऑटोमेटिक जो एम्पियर है वो उठा ले रहा है, ओके। तो अब अन क्या करेंगे कि मुझे तो पता चल रहा है कि कहाँ पे हीट हो रहा है, बट यहाँ पे ना 3-4 आईसी हैं, इसीलिए मैं WD शॉर्टकैम 2 का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मुझे दिख रहा है कि जो ऑडियो एम्पलीफायर है, अपर ऑडियो एम्पलीफायर, वो हीट हो रही है। तो आपके स्क्रीन पे फ़ोटो भी आ गया होगा कि देख सकते हो कि मैंने उसका जो WD में हमने उसको स्कैन किया उसका फ़ोटो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अभी तक, ओके। तो कहने की इतनी सी बात है कि इसमें क्या है, तो इसका जो बूस्टिंग वोल्टेज है, बिकॉज ये एम्पलीफायर में 16 वोल्ट तक ये बूस्ट करता है, ठीक है। तो 16 वोल्ट तक ये बूस्ट करता है और हमेशा जो इसका बूस्टिंग वोल्टेज का कैपेसिटर है वही शॉर्ट होता है। अगर मैं चाहूँ तो खाली एक सिंगल कैपेसिटर निकाल के इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन होता क्या है आपको पता है, क्योंकि वो कैपेसिटर शॉर्ट है तो उसने IC को भी इफेक्ट कर दिया है, ओके। तो अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन हो, एक बढ़िया टेक्नीशियन हो, तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ आप वो कैपेसिटर भी निकालो और आप वो IC भी चेंज करो। इससे क्या होगा, ना आपका फ़ोन रिटर्न आएगा और ना कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी, ओके। तो अभी इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, अभी मैं लेयर क्लीन कर रहा हूँ और मैं दूसरे डोनर बोर्ड से लेके IC उसमें लगा रहा हूँ, कैपेसिटर भी मैंने निकाल दिया है। मैं वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि जो टेम्परेचर अगर आता है तो फ़ोन को पता कैसे चलता है कि फ़ोन गर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे का एक रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि फ़ोन के अंदर लगे होते हैं NTC, NTC का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, ओके। तो हर फ़ोन में, जैसे छोटा फ़ोन है तो उसमें 3 NTC होंगे, 4 NTC होंगे, जैसे जैसे मॉडल बढ़ते गए वैसे वैसे NTC बढ़ते गए। अभी आप सोचो Face ID में भी NTC होता है, ओके, बैटरी के अंदर भी NTC होता है, चार्जिंग सेक्शन में भी NTC होता है, हर जगह NTC होता है। तो लेकिन बट जो पूरे बोर्ड का टेम्परेचर देखता है ना, उसको बोलते हैं फोर हेड NTC, जो कि पूरे बोर्ड का टेम्परेचर देखता है, ठीक है। तो जैसे अभी ऑडियो एम्पलीफायर इतना गर्म हो रहा है, ठीक है,
तो इसको कौन देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? इसको ऑब्जर्व करने वाला जो है वो है फोरहेड एंटी सी, क्योंकि उसका नाम ही फोरहेड है और वो हमेशा हेड पे रहता है और वो सारे बोर्ड का टेम्परेचर देखता है। अगर तो आपका फ़ोन गर्म हो रहा है तो ठीक है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो थर्मल कैमरे के थ्रू या ऐसे वैसे करके आप पता लगा सकते हो, क्योंकि फ़ोन गर्म हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गर्म हो रहा है। लेकिन पता है ट्विस्टिंग पॉइंट कहाँ आता है? ट्विस्टिंग पॉइंट यहाँ आता है जब आपका फ़ोन गर्म नहीं हो रहा है इसके बाद भी टेम्परेचर एरर आ रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। उसमें आपको क्या करना होता है कि जाके सारे पर्टिकुलर जितने एनटीसी हैं, आप अगर ZXW यूज़ करते हो या तो आप जो भी टूल यूज़ करते हो वे स्कैमेटिक के लिए, जेसी ड्राइंग वगैरह, वहाँ पे खाली सर्च बार में एनटीसी लिख देना, जो भी मॉडल हो उसके अंदर कितने एनटीसी आते हैं वो आपको इमिडिएट दिख जाएगा। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, खाली आपने एनटीसी टाइप करना है और कितने एनटीसी आते हैं वो दिख जाएगा। ये मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, जिस केस में फ़ोन गर्म नहीं हो रहा है फिर भी टेम्परेचर एरर आ रहा है। अगर तो गर्म हो रहा है तो आपको तो पता ही चल जाएगा कि हाँ ये गर्म हो रहा है, आपके पास थर्मल कैमरा होना चाहिए, अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हो थर्मल कैमरा तो अफोर्ड कर ही सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसकी आईसी वगैरह चेंज कर दी है, अब मैं इसका लेयर साफ कर रहा हूँ और अपन देखेंगे कि कैसे क्या होता है या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि जाएगा, बिकॉज हमारा ये डेली का काम है, हम रोज़ करते हैं, हमारे पास ऐसे रोज 2-3-4 डिवाइस आते हैं, तो हमें प्रोफेशनल, हम लोग प्रो प्लेयर है, ओके ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, सारे ही बोलते हैं, ये मैं अपना नहीं बढ़ाई कर रहा हूँ। और अभी मैं लेयर बना रहा हूँ, तो अगर तो आपको हमारे वीडियो से कुछ भी समझ में आता है, और काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे भी, अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो मतलब कमेंट वगैरह कीजिए। जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है, जैसे कोई आपका भाई है थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है बट वो कहीं कहीं अटक जाता है, तो शायद ये वीडियो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती है, तो ऐसा भी आप करके हमको सपोर्ट कर सकते हो। देखिए एक वीडियो बनाने के पीछे ना हम लोग को 3-4 दिन 5 दिन तक लग जाता है, और उसके बाद वो वीडियो एडिट होनी है और उसमें ना कोई नॉइस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब पता है, एक YouTube चैनल चलाना और लोहे के चने चबाना एकदम सेम है। अगर तो हम कहीं बिजी हो गए, वीडियो नहीं आ रही है, तो ये भी एक होता है कि यार चैनल पे वीडियो नहीं जा रही है, मतलब एक ये ड्यूटी है और हम लोग कर रहे हैं बिना सैलरी के, और खाली आप लोगों के लिए कि हाँ चलो हम दूसरों से कनेक्ट हो पाए। वैसे बहुत लोग काम भेज रहे हैं YouTube के थ्रू, बहुत भाई अपने हैं, उत्तराखंड के भाई हो गए, MP के हो गए और महाराष्ट्र के हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमको भेज रहे हैं अपना काम वगैरह, तो ये तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम इतना टाइम निकाल के और पूरा कैमरे का एंगल चेक करना, ये करना वो करना, एडिट करना, ये सारी चीज़ें बहुत लंबी होती हैं, तो आप लोग इसके लिए ना कम से कम सपोर्ट। अभी मैंने क्या किया है, तो पहले बोर्ड लोअर बोर्ड रिवॉल्व किया है, उसके बाद मैंने उसको ठंडा होने दिया, कूल होने दिया, और कूल होने के बाद क्या किया है कि ऊपर वाला बोर्ड रख के उसको ज्वाइन किया है। देखो मैंने आई सॉकेट भी चेक किया, बिकॉज ये गिरा हुआ फ़ोन नहीं है तो बोर्ड बैंड नहीं है इसका, खाली इसमें शॉर्ट था ऑडियो एम्पलीफायर, तो हमने इसका खाली ऑडियो एम्पलीफायर चेंज किया और एक कैपेसिटर शॉर्ट था वो चेंज किया। अभी मैंने DC लगा के देखी, जो एक्स्ट्रा एम्पियर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा था वो अब नहीं करना है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया है, बाकी मैं डायरेक्ट फिटिंग कर रहा हूँ, और इस वीडियो में कोई भी कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली हमने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया है, बिकॉज ये पूरा जो काम था ये 40-45 मिनट का काम था, तो अगर मैं पूरा ही बनाता तो इतनी लंबी वीडियो बनती थी, इतनी लेंथी बनती थी, इसलिए इसको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया गया, क्योंकि हमें भी ये चाहिए कि आपका भी टाइम कीमती है और हमारा भी कीमती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में और अच्छा कंटेंट मिले, ठीक है। तो अभी मैंने इसको फिट कर दिया है एकदम पूरा, और पूरा नहीं किया मतलब लगा के अभी चेक कर रहे हैं, चार्जर लगाया मैंने, तो एप्पल लोगो आ गया है, और थोड़ा टाइम लेता है एप्पल लोगो, इसीलिए मैंने उसको भी काट दिया, क्योंकि वो कम से कम 3 मिनट का टाइम लेता है, तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले मैं एंगल चेक कर रहा हूँ इसके लिए कि लोअर बोर्ड करेक्ट ज्वाइंट हुआ है या नहीं हुआ है, ओके।
इसके बाद मैं वाईफाई चेक करूंगा, क्योंकि वाईफाई भी लोअर बोर्ड में होता है और इतने सारे वाईफाई आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट जो बोर्ड है वो कंबाइंड हुआ है, ज्वाइंट हुआ है, ठीक है। और मैं वाईफाई भी कनेक्ट करूंगा और आपको वाईफाई कनेक्ट करके भी कुछ दिखाना है, ऐसे थोड़ी होता है। अब हम जाएंगे यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे ही हो लेकिन हम फोन में भी जाएंगे यूट्यूब पे, ओके। क्योंकि हमें ऑडियो चेक करना है ना, ऑडियो एम्पलीफायर डाला है तो ऑडियो तो चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ डालेंगे रिलाइव एप्पल, खाली रिलाइव लिखा ही तो आ जाता है। यहाँ जाएंगे और आप देख सकते हो कि आप कोई भी वीडियो प्ले कर लो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके दोनों ऑडियो बज रहे हैं, ऊपर का स्पीकर भी बज रहा है और नीचे का स्पीकर बज रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जितने भी एम्पलीफायर होते हैं, जैसे कि 3 या 4 एम्पलीफायर होते हैं, वो अकॉर्डिंग मॉडल होते हैं, किस मॉडल में कितनी होगी। अगर कोई भी एम्पलीफायर अपने हिसाब से अगर नहीं कनेक्ट कर रहा है उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही बात है कि उसका ऑडियो सर्किट जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए अभी मैंने सिम डाला है इसमें, क्योंकि मुझे एयरटेल वाली आंटी की आवाज़ जब तक मैं सुनता नहीं हूँ जब तक मुझे आराम नहीं आता है, है ना। तो एयरटेल वाली आंटी को मेरे को सुनना ही होता है। और नेटवर्क भी आ ही गया है, देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, पता नहीं कैमरा फोकस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करते करते ना शूट करना बड़ा मुश्किल सा ही होता है। फिर भी हम लोग कर रहे हैं और फिर भी काम कर ही रहे हैं। और देखिए अभी मैं 1-1, 1-2-1 डायल कर रहा हूँ और इसमें तो यहाँ पे एयरटेल वाली आंटी बोल रही हैं कि आपका स्वागत है और जो वेलकम वेलकम कर रही हैं अपना, इसका हिसाब मतलब ये है। चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मिलके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।